हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेकेंड सेम के स्टूडेंट के लिए हैं। टॉपिक का नाम है इको फिजियोलॉजी एडेप्टेशन टू मेराइन इन्वायरमेंट। इसका सिनोप्सिस है इंट्रोडक्शन, मेराइन इन्वायरमेंट, कैरेक्टर्स ऑफ मेराइन हैबिटेट, पेलेजिक एडेप्टेशन, डीप सी एडेप्टेशन, रेफरेंस बुक। इसका इंट्रोडक्शन है, समुद्री आवास की औसत गहराई 4000 मीटर तक होती है। समुद्री जीवों एवं इनका वातावरण के साथ अध्ययन महासागरीय विज्ञान के अंतर्गत समुद्री आवास पारिस्थितिक में किया जाता है। समुद्री आवास की गहराई को देखते हुए इन्हें कई भागों में बांटा गया, जिससे विभिन्न प्रकार के एडेप्टेशंस पाया जाता है। अगला है मेराइन इन्वायरमेंट। समुद्री वातावरण को मुख्यतः चारों भागों में बांटा गया है, जिसमें से दो कम तथा दो अधिक चरम सीमा वाले जोन कहलाते हैं। फर्स्ट है पेलेजिक रीजन। पानी की सतह से 200 मीटर की गहराई तक सूर्य दो प्रकाशित क्षेत्र आता है। अगला है अर्च बेंथिक रीजन। 200 मीटर से 100 मीटर तक का जोन आता है। अगला है एबेसोल रीजन। 1000 मीटर से 6000 मीटर तक का जोन है। अगला है डीप सी ओशंस। 6000 से 1000 मीटर तक की गहराई का जोन कहलाता है। तीसरा पॉइंट है कैरेक्टर ऑफ मेराइन हैबिटेट। समुद्री आवास के निम्न कैरेक्टर होते हैं। फर्स्ट है लाइट। लाइट का प्रकाश संश्लेषण, उष्मायन, विकिरण एवं दर्शन के साथ संबंध होने के कारण समुद्री आवास में यह एक इम्पोर्टेंस फैक्टर्स का कार्य करता है। प्रकाश का जल में भेदन इसके आपतित कोण पर निर्भर करता है। अगला है प्रिजर। यान के कारण समुद्री प्राणी विभिन्न प्रकार से प्रभावित होते हैं। अधिक दाब के कारण सीए का क्षय कठिन होता है। अधिक दाब के कारण CO2 एकत्रित होकर CaCO3 को अधिक घुलनशील बना देती है। समुद्रों में जो जो गहराई बढ़ती जाती है, त्यों त्यों दाब का मान बढ़ता जाता है। अगला है कंटिन्यूटी यानी निरंतरता। सतत संचरण समुद्री आवास में पाया जाता है। इस आवास में तापमान, लवणता एवं गहराई मुख्य अवरोध होते हैं, जो कि जल के स्वच्छेद गति में बाधा उत्पन्न करते हैं। अगला है पेलेजिक एडेप्टेशंस। इनको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है प्राइमरी एडेप्टेशंस। इसके अंतर्गत मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस आते हैं, जो उनकी बाहरी एक्टिविटी को शो करते हैं। अगला है सेकेंडरी एडेप्टेशन, ये फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस को शो करते हैं। इसमें फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ न्यूमेटोफोरस। सिलेंट्रेटा के प्राणियों में गैस से भरी हुई न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से ये प्राणी जल में तैरते रहते हैं। अगला है स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल ड्रॉपलेट। प्लवक जीवों की कोशिका में तेल पाया जाता है। तेल की उपस्थिति के कारण इनका विशिष्ट गुरुत्व कम हो जाता है, जिससे सतह पर तैरने में सहायता मिलती है। अगला है डीप सी एडेप्टेशंस। गहरा समुद्री आवास अत्यधिक विशिष्टता लिए होता है। यह विशिष्टताएं प्राणियों में एडेप्टेशंस के रूप में प्रदर्शित होती हैं। गहरे समुद्री आवास के मुख्य अनुकूलन इस प्रकार हैं।